Assalamu alaikum everyone, welcome to AQ Digital. I am Iraj Rashid aur aaj hum baat karenge guest post blogs ke. So guest post basically kya hoti hai? Jab bhi aap ka koi apna blog ho ya aapki koi website ho jisko aap market karna cha rahe hain to guest blogs ek bahut acha tarika hota hai ki aap apne blog ki reach badhaye ya aap apni website pe uske through visits badha sake. So ek to hota hai ki aap apni website pe kuch bhi likh rahe hain या अपनी अपने ब्लॉग पे कुछ भी लिख रहे हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, लेकिन अगर आपके पास उसके एड्स पे आप स्पेंड ना करें या लेट्स से आपकी विजिट्स कम हैं, आप चाहते हैं कि आपकी विजिट्स बढ़ जाएं, लोग ज़्यादा आएं आपकी वेबसाइट पे, तो आप दूसरे ब्लॉग्स जो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में होते हैं, आपकी जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, जो भी ब्लॉग पर आप अपनी बात करते हैं, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई भी और वेबसाइट्स हैं, आप अगर उन पे गेस्ट पोस्ट लिखें, मतलब एज अ गेस्ट आप जाके वहाँ उस पर अगर अपना ब्लॉग डालें, तो उससे भी आपकी मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि जब लोग आपका गेस्ट पोस्ट पढ़ते हैं, नीचे आपके अपने ब्लॉग की उसमें लिंक आ रही होती है, उससे आपके आपकी वेबसाइट के बारे में सबको अवेयरनेस मिलती है. हो सकता है वो मैगज़ीन ब्लॉग जो भी है वो आपको फीचर भी करे अपने न्यूज़ लेटर में, तो उसके थ्रू भी आपकी जो है रीच बढ़ने का बहुत ज़बरदस्त एक तरीका होता है और मार्केटिंग भी बहुत अच्छी होती है. तो गेस्ट ब्लॉग्स ढूंढने, अपने रेलेवेंट वेबसाइट्स ढूंढने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, बहुत सिंपल हैं, बस छोटी छोटी टेक्निक्स हैं मेजर कीवर्ड से रिलेटेड. तो आप गूगल पे गेस्ट ब्लॉग्स किस तरह सर्च कर सकते हैं, ऐसी वेबसाइट्स जो कि अलाउ करती हों, जो कि वेलकम कर रही हों, जो इनवाइट कर रही हूँ कि लोग गेस्ट पोस्ट लिखें उनकी वेबसाइट पे, आप वो किस तरह कर सकते हैं ये हम अब वीडियो में देखते हैं. तो गेस्ट पोस्ट ब्लॉग सर्च करने के लिए आप बहुत सारे टर्म्स यूज़ कर सकते हैं. उनमें से कुछ टर्म्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो ये है जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, सबमिट पोस्ट, सबमिट ब्लॉग पोस्ट, एड ब्लॉग पोस्ट, सबमिट एन आर्टिकल, सजेस्ट अ गेस्ट पोस्ट, सेंड अ गेस्ट पोस्ट, Write for us, become an author, guest bloggers wanted, contribute to our site, become a contributor, become guest writer, write for our guest column. इस तरह के बहुत सारे आप टर्म्स जो हैं उन्हें गूगल पर लिख सकते हैं. तो मैं इसमें से लेट्स से मैं लिखती हूँ सबमिट ब्लॉग पोस्ट. मैं इसको गूगल पर लिख कर आपको दिखाऊँगी कि जब हम गूगल पर लिखते हैं सबमिट पोस्ट और आप एंटर प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी साइट्स मिलेंगी जो आपको या तो डायरेक्ट वेबसाइट बता रही होगी कि आप यहाँ पे ब्लॉग सबमिट करें, या फिर आपको बहुत सारी आपके साथ साइट्स शेयर हो रही होंगी जहाँ पे आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं. अब जाहिर जब आप गेस्ट ब्लॉग लिख रहे हैं तो या तो वो आप अपने ब्लॉग के लिए लिख रहे हैं या अपनी वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं, तो आपका कोई नीश, कोई उसका थीम होगा, उस थीम पे फोकस करने के लिए आप दो तीन ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. एक ट्रिक तो ये है कि आप सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट टर्म सर्च हो तो आप जो है ये कॉमास लगा दें उसके आगे पीछे. उससे क्या होगा कि जब गूगल सर्च करेगा ना तो वो अलग अलग सबमिट ब्लॉग और पोस्ट के वर्ड्स को अलग अलग सर्च नहीं करेगा. अगर आपने कॉमास लगा दी तो वो एग्जैक्टली इस टर्म को सर्च करेगा जहाँ पे ये लिखा होगा, तो जो है आपको इस तरह से वो मिलेगा. प्लस जाहिर है आपके ब्लॉग का कोई भी नीश हो सकता है, हो सकता है आपका ब्लॉग गार्डनिंग के बारे में हो या फैशन के बारे में हो या कार्स के बारे में हो. तो लेट्स से आपका ब्लॉग जो है वो फैशन के बारे में है, तो आप लिखें फैशन प्लस और इस तरह ही कॉमास के अंदर सबमिट ब्लॉग पोस्ट, कॉन्ट्रीब्यूट, राइट फॉर अस, कोई सा भी टर्म आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसको एंटर प्रेस करें. तो आपके पास सारे वो वाली वेबसाइट्स आएंगी जिस पे आप फैशन के ब्लॉग लिख सकते हैं. अब लेट्स से आपका आपकी जो अपना ब्लॉग है जो आप शेयर करना चाह रहे हैं गेस्ट पोस्ट के थ्रू, वो गार्डनिंग के बारे में, तो आप इधर उसकी जगह फैशन की जगह आप गार्डनिंग लिखेंगे. इसके अलावा एक और बहुत अच्छा ट्रिक होता है जिसको आपको सर्च करके देगा, वो ये कि अब आपने लिख दिया सबमिट ब्लॉग पोस्ट या आपने लिख दे कॉन्ट्रीब्यूट फॉर अस, तो गूगल यही सर्च कर रहा है. बट इट्स पॉसिबल कि पोस्ट थी सबमिट ब्लॉग पोस्ट नहीं था, हो सकता है आप चाह रहे हो कि सबमिट पोस्ट का भी ऑप्शन आ जाए या सबमिट अ गेस्ट पोस्ट का भी आ जाए. तो इस तरह मल्टीपल एक जैसे टर्म अगर आप चाहते हैं कि गूगल सर्च करें
तो आप जैसे ब्लॉग पोस्ट है ना, ब्लॉग पोस्ट के पीछे आप एक एस्टेरिक लगाते हैं। एस्टेरिक ये होता है, ये छोटा सा स्टार होता है। इससे क्या होगा, इस फ्रेज जैसे जितने भी मुख्तलिफ फ्रेजेस कहीं पे भी यूज हुए होंगे वो एंटर प्रेस करें तो वो जहाँ सारे आएंगे। आप देख सकते हैं मैं जब भी ये चेंज करके वो करती हूँ तो सर्च रिजल्ट्स में फ़र्क आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि गूगल मुझे और रिफाइन करके या चेंज करके बता रहा होता है। अब ये अगेन ये बहुत जनरल हो गया है ना, किसी भी तरह का ब्लॉग लिखना है आपका, जाहिर है अगर आप अपनी ब्लॉग को प्रमोट करें या वेबसाइट को प्रमोट करें तो आपका कोई नीश होगा। तो लेट्स से टेक्नोलॉजी अगर आपका नीश है तो आप इस तरह से ही एग्जैक्टली इस तरह लिख के सबमिट अ ब्लॉग पोस्ट। ये दो चीज़ें आप ऐड करें, आप लिखें, आप पहले ये वाला साइन ऐड करें जो आपके बिल्कुल साइड में होता है। तो आप बिल्कुल इसी तरह से ये टर्म लिखकर और आप आगे से जो है ना उसमें कर दें, ये प्रेस करें आप और आप लिखें, लेट्स से आपका पोस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में है तो आप लिखें टेक और कैपिटल में लिखें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आप लिख दें लेट्स से ब्लॉकचेन। तो जो भी आपके ब्लॉग की थीम है उसमें जिस जिस तरह के कीवर्ड यूज होते हैं आप वो एंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं आपके पास उन गेस्ट ब्लॉग पोस्ट के ऑप्शंस आ रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जो कि आपसे सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी इन्हीं के वो मांग रहे होंगे। लेट्स से हम लिखें यहाँ फैशन और आर्ट और क्लोथ्स। अब आप देख सकते हैं हमारे पास उन गेस्ट पोस्ट के राइटर्स वांटेड वो आ रहे हैं जो कि आर्ट रिलेटेड होंगे। तो ये एस्टेरिक, ये कॉमा, ये जो आपके कीबोर्ड के बिल्कुल टॉप लेफ्ट में एक ऑप्शन होता है वो, और ये आप डिफरेंट तरीकों से यूज़ कर सकते हैं अपने सर्च को रिफाइन करने के लिए। प्लस जो मैंने आपको शुरू में प्लस का ऑप्शन बताया था कि आप प्लस लिख के जो भी वर्ड लिखेंगे उसके तरह के उस नीश के जो हैं आपके पास गेस्ट ब्लॉग्स की वेबसाइट्स खुल जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है जो कि सर्च इंजन की हम नहीं करते हैं, हम उसको ऊपर करते हैं। आप लिखेंगे google.com/advanced_search। अब ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड पेजेस विद, फाइंड पेजेस विद ऑल दीज वर्ड्स में लेट्स से अब हम ट्राई करते हैं राइट फॉर अस। आप लिखें राइट ब्लॉग गेस्ट पोस्ट, फिर इधर ऑप्शन है दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज, मैं आप लिख दें सबमिट अ गेस्ट पोस्ट। फिर यहाँ पे ऑप्शन है एनी ऑफ दीज वर्ड्स, फिर लेट्स से आपका ब्लॉग टेक्नोलॉजी का है तो आपने लिख दिया टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन, फिर आपने लिख दिया नन ऑफ दीज वर्ड्स। अब आप चाह रहे हैं इसके अलावा कुछ ना आए तो लेट्स से आपने लिख दिया फैशन आर्ट गार्डनिंग, आप चाह रहे हैं इसमें से कोई भी वर्ड ना है। और अब आपको लिखना है नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम, तो जो है अगर आप कोई मेजरमेंट वाली वो चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं कि लेट्स से 10,000 20,000 या कोई साल के जैसे 2010 से लेके मुझे 2016 तक कुछ चाहिए तो आप ये लिखें 2017। फिर आप इसमें और ज़्यादा फिल्टर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं किस लैंग्वेज में आपको चाहिए, फिर आप देख सकते हैं किस रीजन के पोस्ट चाहिए, लास्ट अपडेट वो कब हुआ और कितना अपडेटेड चाहिए, टर्म्स अपेयरिंग मतलब टर्म जो है वो वेबसाइट के टाइटल में आ रहा है, वेबसाइट में आ रहा है, कहीं भी किसी पैराग्राफ में आ रहा है, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। शो मोस्ट रेलिवेंट रिजल्ट्स, या फिर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह के रिजल्ट्स आ जाएं, सेफ रिजल्ट्स आए, तो
फॉर्मेट टाइप मतलब आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट सर्च करनी है, गूगल अर्थ पे करनी है, एक्सेल डॉक्यूमेंट्स आप चाह रहे हैं आए या वर्ड डॉक्यूमेंट्स, यूजेज राइट्स मतलब कि लाइसेंस है उनको शेयर करने का या नहीं। फिर जब आप एडवांस सर्च प्रेस करेंगे तो आपने जो भी सेटिंग्स यहाँ पे डाली होंगी वो आपको उस हिसाब से उसके सर्च रिजल्ट दिखाएगा। तो जब भी आप गेस्ट पोस्ट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आप ब्लॉग लिख के अपनी ब्लॉग के बारे में या वेबसाइट के बारे में शेयर कर सकते हैं तो आप इस ये सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं। इनको मैं एक दफ़ा नोट डाउन भी कर दूँगी आपके आसानी के लिए। समरी हमारी समरी है, पहले हम लोगों ने ये यूज़ करना सीखा है कि आप इसके बीच में अगर लिखें सबमिट एन आर्टिकल तो वो एग्जैक्टली यही टर्म ढूंढेगा। फिर अगर आप चाहते हैं कि वो किसी वर्ड के साथ ढूंढे तो आप लिख सकते हैं टेक्नोलॉजी प्लस सबमिट एन आर्टिकल। फिर आप इसकी जगह जो है गूगल वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं जो बेसिकली होता है कि आप चाह रहे हैं कि सिमिलर लिंक्स आ जाएं और इस तरह से ना आए तो आप लिखें सबमिट अ ब्लॉग पोस्ट तो इसके जैसी सारी पोस्ट वो आपको दिखा देगा। प्लस आपने हमने जो एंड में किया था वो ये था कि आप लिखें सबमिट अ ब्लॉग टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग लेट्स से। तो इस तरह से भी आप सर्च कर सकते हैं। और दूसरा जो हमने ऑप्शन एक्सप्लोर किया था वो था गूगल एडवांस सर्च का जो कि जिसका एड्रेस होता है google.com/advanced_search। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप गेस्ट ब्लॉग पोस्ट सर्च कर सकते हैं। अगेन ये सिर्फ टेक्निक्स हैं, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले गेस्ट ब्लॉग्स लिखने की तो आप क्या कंटेंट है, आप कितना अट्रैक्टिव ब्लॉग लिखते हैं, फॉरन डायरेक्ट अपने ब्लॉग को सेल करना हर जगह या बता देना कि दिस इज़ माई ब्लॉग, लोगों को पता चल जाता है कि आप सिर्फ प्रमोशन के लिए आएँ तो वो उनका इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है। तो उससे बेहतर ये होता है जब भी आप कहीं गेस्ट पोस्ट लिख रहे हैं पहले आप कोई यूज़फुल बात करें, कोई अट्रैक्टिव बात करें जो किसी को पसंद आए, एट दी एंड आप बताएं आप अपने ब्लॉग से रेफ़र करें तो इनडायरेक्टली फिर उनको वो सही लगता है। अगर आप डायरेक्टली अपने ब्लॉग को प्रमोट करने लग जाएंगे तो साइट्स को शायद वो आपका ब्लॉग एक्सेप्ट भी ना करें। तो अगेन योर कॉन्टेंट मैटर्स द मोस्ट और ये कुछ तरीके मैंने आपसे शेयर किए हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के। ये सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके ब्लॉग की क्वालिटी आपकी गेस्ट पोस्ट की क्वालिटी जो है वो एट द एंड ऑफ द डे मैटर करती है सबसे ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।